ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर के फर्टिलाइजर के मैदान पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का रविवार को समापन हो गया। अधिवेशन के समापन समारोह में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त, केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित सम्मेलन में शामिल विभिन्न प्रदेश के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रदेश के रिपोर्ट कार्ड पेश किए। अधिवेशन के समापन अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि किसानों के सम्मान और उनके आर्थिक उत्थान के लिए किसी भी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। मोदी सरकार ने तमाम योजनाएं लेकर किसानों के आमदनी को दोगुना करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी का आरोपी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाता है, जिन्होंने विपक्षी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों की कई योजनाओं की फाइल को दबाकर रखा था, जिसकी वजह से किसानों का विकास नहीं हो सका। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार पर आरोप लगाने वाले जेल जाएंगे, जनता के हक को दबाकर रखने वालों को जनता खुद जवाब देगी। भाजपा किसान मोर्चा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा, दूसरी सेशन प्रारंभ हो रहा है। जय सोमनाथ। मैं जुम्बोली लिबा, हमारा अरुणाचल प्रदेश में संगठन अध्यक्ष 26 जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, 26 डिस्ट्रिक्ट में से रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट 25 है और नॉन रेवेन्यू पॉलिटिकली जो बनाया गया है हमारा पॉलिटिक्स के कारण एक है, इसमें से सभी डिस्ट्रिक्ट का कॉन्स्टिट्यूट है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूट है और 60 मंडल है, 60 मंडल पूरा कॉन्स्टिट्यूट है। इसके बाद हमारा उत्तरपुर जो जोनल एक प्रोग्राम हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, वीरेंद्र सिंह मस्त का आशीर्वाद से, हिरेन्द्र जी का आशीर्वाद से और बाकी जो सेंट्रल यहाँ हमारे किसानों से के लीडर है उनके आशीर्वाद से मेरे अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट संवाद बैठक, जहाँ पे सारे नॉर्थ ईस्ट एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, कुल मिला के संख्या 3000 के करीब आए, जहाँ पे हमारा हिरेन्द्र जी खुद थे, सुधीर त्यागी जी खुद थे, डॉक्टर शंभू जो हमारा सेक्रेटरी नेशनल सेक्रेटरी इन चार्ज खुद थे और आलोक माने थे। या किसी भी समाज किसी भी संगठन के भविष्य की चिंता करनी है और उसे सुनहरा बनाना है तो वर्तमान की पीठिका पर बैठकर हमें भूतकाल की ओर भी झांकना पड़ता है। पीछे की ओर लगातार देखना उचित नहीं है, लेकिन झांक कर जब देखेंगे और उसके बाद जब वर्तमान में बैठकर भविष्य की चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य उज्जवल होता है। और इसीलिए मैं आपके सामने अतीत के कुछ झलकियों को रखना चाहूंगा। देश जब गुलाम था तो गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके नेतृत्व में हम लड़ रहे थे और बार बार बोलते थे कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में रहती है। और उसका कारण यही था, उनका सोच था कि आजादी के बाद देश को मजबूत बनाना है तो गांव को मजबूत बनाना पड़ेगा और गांव को मजबूत बनाना पड़ेगा तो किसान को मजबूत बनाना पड़ेगा। और इसीलिए जब घोषणा हुई कि 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिलेगी तो गांधी जी ने उसके एक साथ पहले ही सोचा कि 16 अगस्त को जब सरकार बनाएंगे तो नौसिखुआ रहे, इसलिए एक साल पहले ही उन्होंने अंग्रेजों से बातचीत की और अंतरिम सरकार बनाई और गांव उनका सोच का केंद्र था। देश का प्रधानमंत्री कौन बने, जो उच्च अधिकार प्राप्त समिति की 15 लोग
बैठे थे मिलकर, पटेल जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अभी वो बन गए होते तो हिंदुस्तान के गांव और किसानों की हालत पर जो आज इतना चिंता हम सब कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं होती। फिर जब कृषि मंत्री बनाने की बात आई तो गांधी जी ने स्वयं निर्णय लिया, उस व्यक्ति को बनाया जो अंग्रेजों के जमाने में जो किसानों पर जुल्म होता था, और गांधी जी 14 महीनों तक उनके बीच जिस इलाके में गांव में घूमते रहे, किसानों का दर्द सुनते रहे, और जो व्यक्ति उनके साथ रहकर किसानों के दर्दों को लिखता था, सुनता था कैसे किसान कष्ट सहते हैं, कितने अत्याचार होते हैं, गांधी जी ने उसी व्यक्ति को देश का कृषि मंत्री बनाया। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अंतरिम सरकार में देश के पहले कृषि मंत्री बने। सरदार पटेल जी उप प्रधानमंत्री बने, 50 के चुनाव में राजेंद्र बाबू बन गए राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं, नीति निर्णय। सरदार पटेल भी हमारे बीच नहीं रहे, और परिणाम यह हुआ 1965 तक आप देखेंगे आजादी के बाद देश में बहुत क्रांति हुई, बहुत रिफॉर्म्स हुए, औद्योगिक क्रांति हुई, लेकिन कृषि के अंदर कोई रिफॉर्म्स नहीं हुआ। हम सब सौभाग्यशाली थे लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। आजादी के बाद पटेल के न रहने के बाद पहली बार हम गांव के लोग जय जवान जय किसान का नारा सुने, और इतना ही नहीं तो जो हम भिखमंगा के रूप में कटोरा लेकर दुनिया के देशों से अनाज मांगते थे, हमारे उम्र के लोगों को ध्यान में होगा हम बचपन में अपने स्कूल में बिलायती दूध का पाउडर का दूध पीते थे और तेल 480 का गेहूं खाते थे। मैक्सिको में 65 के अंदर संकर बीजों का प्रादुर्भाव हुआ और हरित क्रांति, देश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होना शुरू हुआ। हरित क्रांति के परिणाम अच्छे रहे, लेकिन 80 में जब अकाल आया तो उसके जो साइड इफेक्ट्स थे वो देश के लघु सीमांत किसान 85% लघु सीमांत किसान वो कर्ज के जाल में फंसे, इनपुट कॉस्ट महंगा होने के कारण, लेकिन खुद कोई रिफॉर्म्स नहीं। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बने, कई रिफॉर्म्स किए गए, देश के कृषि मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान आयोग की भी घोषणा की। देश का दुर्भाग्य था उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं रही, अटल जी का नाम चिल्ला चिल्ला कर ले रहा था, इधर तो बंद किया, उसको सर मानी चाहिए कि स्वयं स्वामीनाथन जी क्या कह रहे हैं। एक बुकलेट हम आप सबको दिया है, छोटी सी बुकलेट है, और इसमें स्वामीनाथन जी का वो लेख भी है। लेकिन आज मोदी सरकार पर जो अंगुली उठाते हैं उनसे 2-4-5 सवाल पूछना जरूरी है कि हिंदुस्तान के खजाने का बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ी रकम बरसों से यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री को जाती रही, और 89 में जब मैं लोकसभा का सदस्य बना पहली बार कुछ पूछने का अवसर मिला, बोलने का अवसर मिला, तो हमने मांग की थी कि मेरे मोतिहारी में यूरिया का रेट देखिए। वो दृश्य देखा हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यूरिया के लिए किसानों पर राखियां चलती थी, अश्रु गैस से गोले चलते थे, रात खजाने से जो पैसा यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री को जाती थी कि समय पर और सही कीमत पर किसान को यूरिया मिले, पिछले दरवाजे से 35% यूरिया केमिकल फैक्ट्रियों को जाता था। अटल जी ने उसी समय कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने 2003-04 के अंदर कुछ ईजाद किए, कुछ खोज किए वैज्ञानिकों की कमेटी थी,
और फिर ट्रायल भी किया कि नीम कोटेड कर दो तो मिलावटी कारोबार में इसका उपयोग नहीं होगा, समय पर किसानों को मिलेगा। और ये रिपोर्ट फिर ट्रायल लेने के बाद मंत्रालय में आ गया और 2004 से 2014 तक ठंडे बस्ते में क्यों भरा हुआ था इसका जवाब देना होगा उनको। इतनी भारी लूट सरकार के लिए, राहत के लिए पैसा जाने वाले हिम्मत नहीं हुई, केमिकल फैक्ट्री नाराज हो जाएगा, हिम्मत नहीं कर पाया। जब एक गरीब का बेटा जिसकी माँ बर्तन मांजती थी, जो खुद चाय बेचता था, वो देश का जब प्रधानमंत्री बना तो उसने साहस के साथ निर्णय किया और आज एक दाना भी यूरिया का देश में बनता है या बाहर से आता है तो नीम कोटेड होता है। आप इतने दिनों तक क्या, मुझे स्मरण है कि सरकार बनते प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि जरा पता करो किस दिशा में अपने देश में क्या हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने की कोई योजना नहीं थी, एक मानक नहीं था, उसके लिए राज्यों को एक पैसा नहीं जाता था। सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए कुछ पैसे लैब बनाने के लिए जाते थे, मुश्किल से देश में 50-54 लैब बने थे, वो भी खराब हालत में थे। आज हम सीना तान कर कह सकते हैं कि 10,000 के लगभग लैब आज हिंदुस्तान में आ गए। पहले चरण में 11 करोड़, दूसरे चरण में 7 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड मिला। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि दुनिया के अन्य देश मिट्टी को जमीन का टुकड़ा मानते हैं, लेकिन हम जो हिंदुस्तान में पैदा लेते हैं मिट्टी को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं मानते। माँ हमें पैदा जरूर करती है लेकिन इसी धरती माता के गोद में हम पलते बढ़ते फलते फूलते देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और जब तक माँ स्वस्थ नहीं होगी तब तक देश का किसान स्वस्थ नहीं होगा। ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब इस मोटन की बात को देना पड़ेगा। जो दिन भर फेक न्यूज चलाता है, लोग तंग आ चुके हैं। मैं फिर कहूंगा कि टैक्स चोरी में जमानत ढूंढने वाले इस नौजवान को शर्म आनी चाहिए, इन सवालों का जवाब देना चाहिए। अपने परिवार को शक्तिशाली बनाने में निष्ठा से काम करना और दिन भर नारे लगाना गांव के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, तो कैसा नौकरी की देश के आम लोग अब इसको समझने लगे। हमें नहीं कहते कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो तरक्की नहीं हुई, तरक्की हुई, घरों में बिजली गई, शौचालय बने, कांग्रेस के जमाने में भी बने, गैस कनेक्शन गया, मिट्टी की जांच भी होती। ये कितने लोग बड़े बड़े जो किसान थे, बड़े बड़े फार्म थे, उनके खेतों में कृषि वैज्ञानिक जाकर उनकी मिट्टी की जांच करते थे। जो गरीब भूमिका में समाज के लोग थे उनके घरों में शौचालय थे, उनके घरों में बिजली थी, उनकी माताएं गैस के चूल्हे पर खाना बनाती थी। लेकिन जो गांव में रहने वाले हम छोटे किसान हैं, गरीब हैं, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनके नजदीक तक पहुंचा? मैं खुद जिस पंचायत से आता हूं 3,000 परिवारों में 89 में मैं लोकसभा का सदस्य बना था, 14 तक 25 घरों में शौचालय थे। हम किसान परिवार 30-40 गैस में गैस था, बिजली 30-40 तक था। ये आजादी के 70 साल में यही हुआ था, लेकिन आज देश के 93% से ज्यादा घरों में बिजली चली गई और 31 मार्च बाकी आगे हिंदुस्तान का कोई घर नहीं बचेगा जहां बिजली नहीं होगी। 40 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और 31 दिसंबर आते आते काम तेजी से चल रहा है, 99 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। सवाल पूछते समय उन लोगों को शर्म आता था कि नहीं, ये जरूर एक चिंता का विषय है कि जो पाप किया वही सवाल पूछ रहा है। गांव में जब किसी घर में कोई चोरी करता है
और भागने लगता है तो उसमें से कोई ना कोई भीड़ का भी हिस्सा बनके चोर चोर चिल्लाने लगता है। यही स्थिति देश के उस नौजवान का जो आज देश को गुमराह कर रहा है, डेली फेक न्यूज चला रहा है। क्या कर रहे हैं? ये सब जवाब देना पड़ेगा। आज जवाब न भी देंगे तो जो आपने पाप किया है उसका कर्तव्य तो भोगना ही पड़ेगा, और भोगना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। आप किसान की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, एक तरफ आप दूसरी तरफ टैक्स चुराते हैं। आखिर मोदी सरकार आने के बाद इतने संसाधन कहां से आ रहे हैं कि गांव में गरीब जो घर बनाता था 72,000 रुपये मिलते थे, अब 1.5 लाख रुपया मिल रहे हैं। सबके घरों में शौचालय बन रहे हैं, सबको बिजली जा रही है, और हर खेत पर बिजली जा रहा है, हर खेत को पानी। दीनदयाल जी का सपना था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। और 31 दिसंबर 19 के अंत तक हिंदुस्तान का कोई खेत नहीं बचेगा जहां बिजली नहीं पहुंचेगी, खेत को पानी नहीं, और 99 परियोजनाओं को पूरा करेगा।